कहना चाहता हूँ कि अभी तक ये सारा कार्यक्रम हमेशा महानगरों में होता था। पहली बार ये जबलपुर जैसे शहर में मैंने शुरुआत की है और मैंने तय किया कि इस कार्यक्रम को क्यों ना हम द्वितीय श्रेणी के नगरों में पहुंचाने का काम करें। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि 14 और 15 तारीख को जब यहाँ पर ये कार्यक्रम संपन्न होगा तो आप सबके सहयोग की भी अपेक्षा है, आप सबकी उपस्थिति की भी मैं अपेक्षा करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम एक नया मुकाम हमारे पूरे महाकौशल के केंद्र समर्थकों को देगा और देश भर से जो भी प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे वो निश्चित रूप से हम सबको सांस्कृतिक रूप से सोचने के लिए मजबूर करेंगे। इसके बाद 2 दिन ये सागर में होगा 16 और 17 को और इसका समारोह रीवा में 20 और 21 तारीख को होगा। उसमें हमारे कानपुर के जो रीजनल डायरेक्टर हैं दीपक खेवलकर वो हमारे साथ में यहाँ मौजूद भी हैं। मैं आप सबसे ये अपेक्षा करता हूँ कि हम मंत्रालय देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम करता है, वो जो हमारा कैलेंडर है वो कैलेंडर भी बना हुआ कैलेंडर है। अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश 2 रीजनल सेंटर्स के बीच में आता है, नागपुर और प्रयागराज। अब इसलिए एक बात और जो शायद आप अभी हमसे कहने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा मुख्यालय नहीं है जिसमें मध्य प्रदेश या बाकी उसका मुख्यालय हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के बाद हम सब नए सिरे से जरूर विचार करेंगे। और मैं मानता हूँ कि गोंडवाना की जो संस्कृति है, हमारी जो मिश्रित संस्कृति का जो केंद्र है जबलपुर, इस कार्यक्रम के बाद हम नए सिरे से सोचने के लिए जरूर